मैनपुरी के रण में मां डिंपल यादव के प्रचार अभियान में बेटी अदिति यादव अभी पसीना बहा ही रही थी। इस दौरान डिंपल यादव ने उनके साथ अपने ही खास को लगा दिया। मैनपुरी के मैदान में एक और नए चेहरे की एंट्री, डिंपल यादव के पक्ष में वोट की बढ़ोतरी करने के लिए राजपूतों के बीच जाकर मांगेंगी वोट। डिंपल ने जिस अंदाज में इंट्रोड्यूस कराया उससे लगा वो तो डिंपल के लिए और उनके लिए डिंपल हैं बेहद खास। तस्वीर देख लीजिए, इस अंदाज में डिंपल को शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। इस तरह से शायद ही कभी वो किसी का परिचय कराती दिखी होंगी। जितनी गंभीरता से वो उनका इंट्रोडक्शन करा रही हैं, उससे मन में आपके सवाल तो जरूर आया होगा, आखिर ये हैं तो कौन हैं जो मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए खतरे की घंटी हैं। देश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने के लिए सपा और भाजपा पूरी ताकत से जुटी हैं। अपने उम्मीदवार के पक्ष में हवा बनाने के लिए ना सिर्फ सीएम योगी कि यूपी सरकार के कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में प्रचार का जिम्मा सौंप रखा है, तो इधर डिंपल यादव ने अपने चुनावी कैंपेन को ही अपने तरीके से हिट करने की ठान ली है। डिंपल की ओर से हालांकि समय समय पर अखिलेश शिवपाल समेत सपा के आला नेता प्रचार के लिए आए, लेकिन मैनपुरी में जो इस वक्त अट्रैक्शन का विषय है वो है अखिलेश डिंपल की बड़ी बेटी अदिति यादव। अदिति पूरी शिद्दत के साथ अपनी मां डिंपल यादव के पक्ष में हवा बनाने में जुटी हैं। इस फहरिस्त में एक और नए चेहरे का मैनपुरी के रण में एंट्री हुई जो डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगी, इसके साथ ही उनके लिए वोट भी मांगेंगी। इस लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रत्याशी डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव प्रचार करती नजर आई, तो वहीं अब यहां एक और नए चेहरे की एंट्री हो गई है। ये नया चेहरा सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जिंदगी में बेहद खास स्थान रखता है और इनके लिए भी डिंपल यादव सिर्फ सपा के एक उम्मीदवार नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी नहीं बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा खास डिंपल यादव और इनका रिलेशन है। जी हाँ, और कोई नहीं, डिंपल यादव की छोटी बहन पूनम रावत हैं। पूनम रावत सेना में अधिकारी के पद पर नौकरी करती थी, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीआरएस ले लिया। पूनम रावत अपनी बहन डिंपल यादव के साथ सपा कार्यालय पहुंची जहां डिंपल ने पार्टी पदाधिकारियों से उनकी भेंट कराई। इसके बाद वो सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह और जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी के साथ चुनाव प्रचार में निकल गए। उन्होंने नगर के आवास विकास स्टेशन रोड, कचहरी रोड, करहल रोड घर घर जाकर लोगों से सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूनम रावत क्षत्रिय समाज से आती हैं, वैसे शादी से पहले डिंपल यादव भी राजपूत समाज से ही थी, लेकिन अब चूंकि अखिलेश यादव से शादी हो गई लोगों के दिमाग में यही बात होगी डिंपल तो यादव हैं। पूनम रावत के आने के पीछे मकसद है राजपूतों का जो वोट जयवीर सिंह के पक्ष में जाने वाला था उसमें सेंध लगेगी, क्योंकि पूनम रावत के शत्राणी अवतार को देखकर लोग यही कहेंगे डिंपल यादव भी तो पहले राजपूत ही थी। इसी के आधार पर हो सकता है कि राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक डिंपल की तरफ जाए। मुझे यहाँ के बहुत प्यार मिल रहा है मैनपुरी की जनता से और उनकी पूरा विश्वास है, जैसे इतने सारे सालों में मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सपोर्ट दिया है, तो इस साल भी उत्तर भाभी को साइकिल का बटन दबाकर पूरा सपोर्ट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर भाभी पूरी वोट बैंक के परसेंटेज से वापस आएंगे जीत कर। हम ऐसे फैमिली सपोर्ट करने आए हैं और देखिए हमारे देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, नौकरियाँ नहीं है वो हम सब जानते हैं, तो अभी भी जैसी स्कीम से डेफिनेटली हमारे सारे जो युवा वर्ग है उनके नौकरी और पसंद है, और हम चाहते हैं कि सरकार की सरकार आए वो हमारे युवकों के लिए नौकरियों के लिए काम करे। पूनम रावत कह रही हैं मैनपुरी जनता का प्यार उनकी बहन को मिल रहा है, भाजपा सरकार में बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, इसीलिए जनता ने भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। इस मौके पर सपा महिला सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।